चैनल, आई होप यू ऑल आर डूइंग वंडरफुली वेल। सो आज हम जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए, सो आई टेक यू गाइज विद मी एंड आई एम गोइंग टू गेट रेडी एंड रेडी होके उसके बाद मैं मिलूंगी और यू गाइज विल गेट टू नो कि हम कहाँ जा रहे हैं। सो या प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड ट्रस्ट मी बहुत मजा आएगा आपको। सो या कीप ऑन वॉचिंग। सो मैं तैयार होने वाली थी बट बिफोर दैट आई थॉट ऑफ शेयरिंग रियली गुड प्रोडक्ट। सो आई एम गोइंग टू डू लाइक समथिंग विद माई फेस टूडे। समथिंग विद माई फेस से मेरा मतलब है थोड़ा सा स्किन केयर या फिर स्किन प्रेप यू कैन से। सो आई एम गोइंग टू शो यू दिस अमेजिंग प्रोडक्ट विच इज़ फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड स्टैमियो। इट इज़ द कुकुम्बर जेल। First of all, this gel is pure and natural. So this gel can be used in a multiple ways. You can use it as a moisturizer, you can use it as a night gel, and you can use it as a under eye cream as well. So पता है क्या, एक product के बड़े सारे benefit हो जाते हैं। With that, it is suitable for all skin type. It is a very jelly kind of consistency. With that, अगर आपके you know skin issues है, like आपकी skin dull लगती है और आपके wrinkles हैं, या फिर in general भी आप इसे as a daily moisturizer भी use कर सकते हो। और अगर आपकी puffy eyes है तो इसे आप under eye gel की तरह use करोगे तो it will cure your issue out. And I really enjoy using it. It is super light, non-sticky. क्योंकि usually क्या होता है, इस तरीके की gel consistencies ना थोड़ी sticky formulation की होती हैं, but it is non-sticky. It absorbs in the skin real quick and it helps in rejuvenation. It reduces your under eye puffiness and if you have wrinkles or fine line, it helps in curing that as well. And it is a gel formula, so it is very lightweight and non-sticky as well. So yeah, I really enjoy using it and you guys can see ये सारा absorb हो चुका है and hydration के साथ साथ you can see थोड़ी सी skin radiant भी नजर आती है. So a really good product. So give it a shot. पहुंचने वाले हैं, अब ज़्यादा दूर नहीं है, आ जाएगा हमारा मेट्रो स्टेशन ओखला वाला आ गया, मतलब अब 5 मिनट की दूरी पे ही है एंड बस पहुंचने वाले हैं। लेट हो रखे हैं हम, टाइम कितना हो रहा है, 4 बजने वाले हैं एंड लेट्स सी क्या होता है काम। सो अब हम पहुंच गए हैं कालका जी। प्लान है कि हम पहले जा रहे हैं कालका जी मंदिर, उसके बाद हम जाएंगे लोटस टेम्पल। तो अब सोच रहे हैं कि चप्पल गाड़ी में ही छोड़ के जाएं, उधर मम्मी यहीं छोड़ देते हैं, उधर पता नहीं, उधर फिर देखना भी पड़ता है। सो अब हम मंदिर के अंदर ही जा रहे हैं और ज़्यादा अभी तो भीड़ नहीं दिख रही, बाकी जब हम अंदर जाएंगे ना तब पता चलता है। और यहाँ पे ज़बरदस्ती आपको प्रसाद लेने के लिए बोला जाएगा, देखना पड़ेगा आपको वो चीज़, ठीक है। भीड़ ना मिले ऐसा हो सकता है, लेट आ रहा है। यहाँ पे हमेशा ही भीड़ होती है, कभी किसी टाइम पर आ जाओ कब आ जाओ भीड़ ही भीड़ होती है। और वैसे भी ऐसे सारे धार्मिक स्थलों पे भीड़ ही मिलती है। बहुत भीड़ है और अंदर फोटो या फिर वीडियो बनाना इज नॉट अलाउड, सो अंदर नहीं खींचेंगे हम वीडियो, अंदर वीडियो या फोटो हम नहीं खींचने वाले। पता नहीं, बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, हमेशा ही भीड़ रहती है, कभी भी आप आ जाओ हमेशा भीड़ रहती है। सो बस यहाँ से हमें एंट्री लेनी है, वहाँ से दिखाऊंगा। यस, दर्शन इज डन, पर अंदर वीडियो नहीं बनाया क्योंकि अलाउड नहीं था।
सो बस अब हम जाएंगे लोटस टेम्पल, एग्जिट ढूंढ रहे हैं, पता नहीं यहाँ से हम नहीं आए थे, गाड़ी वहीं ले चले क्या? हाँ अब देखते हैं। सो पार्किंग कहाँ करी थी हमें वो याद नहीं आ रहा, क्योंकि हम निकले अलग जगह से हैं और हमने एंट्री अलग जगह से करी थी, तो हमें अब पता नहीं कि पार्किंग किधर साइड करी है। देर पर देख सो प्लान्स चेंज्ड, क्योंकि बारिश हो रही है एंड इट्स रेनिंग आउट, और अब हम देखते हैं कि हम इस्कॉन टेम्पल तो जा सकते हैं, तब तक बारिश बंद हो जाएगी, क्योंकि ऐसे झमझम आके बारिश नहीं हो रही है, मतलब बहुत तेज वाली बारिश नहीं हो रही। इस्कॉन टेम्पल तो चली जाएंगे, हाँ इस्कॉन टेम्पल चला जा सकता है मुझे। सो लेट्स गो टू इस्कॉन टेम्पल नाउ। गोल्डन टेम्पल कौन सा टेम्पल जाना था हमें? लोटस टेम्पल तो क्लोज हो जाता है 5 बजे ही और बंद भी पड़ा है, तो मैंने सोचा था बाहर से ही देख लूंगी मैं। सो हम आ गए हैं इस्कॉन टेम्पल, लेट मी जस्ट शो यू। सो मम्मी आप यहाँ वाले इस्कॉन टेम्पल में आई हो? नो फर्स्ट टाइम। मेरी मम्मी नहीं आई, ये आई है। कैसा दिखता है अंदर से बताओ? मोनू मम्मी बहुत घुमक्कड़ है, मंदिर दिखता। इधर भी बारिश हो रही है, मतलब अजीब सा है। बाहर सड़क पे जब हम थे तब वहाँ पे बारिश नहीं हो रही थी, बट अब जैसे हमने ये टेम्पल में एंट्री करी है वैसे ही बारिश हो रही है, एंड इट्स रेनिंग बट इट इज ऑल्सो ब्यूटिफुल। यहाँ पे सारा ग्रीन 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 है। पीछे का व्यू इज सो गॉर्जियस एंड वी आर ऑलमोस्ट डन हियर, वी आर ऑलमोस्ट डन एंड दिस प्लेस इज सो गॉर्जियस, यू शुड विजिट इस्कॉन टेम्पल एंड बहुत अच्छा है, बहुत पीसफुल है। बस अब हम जाएंगे लाजपत नगर एंड देन वी विल गो होम। एंड आज का ट्रिप वॉज क्वाइट सक्सेसफुल, मुझे लगा नहीं था कि
वी विल बी एबल टू वेक आउट, क्योंकि हम बहुत लेट निकले थे फर्स्ट ऑफ ऑल। यहाँ की सराउंडिंग्स मतलब बहुत अच्छी है, लाइक देखो बहुत ज़्यादा खुला खुला टाइप है एंड द प्लेस इज सो पीसफुल। वी आर डन ईटिंग मोमोज और इधर के मोमोज मेरे बहुत फेवरेट है। चलो आजा मम्मी, आ रहे वो इधर के मोमोज बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत टेस्टी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। एंड अब हम थोड़ा सा मार्केट घूमेंगे, आ जाओ। बैक इन कार, वैसे हमारा पर्पस था सिर्फ मोमोज खाना, बट मोमोज के साथ साथ हमारी हो गई शॉपिंग भी, इन प्रॉम्प्टो शॉपिंग, और मतलब कर ली थोड़ी बहुत। हमने इयररिंग्स वगैरह खरीद लिए, थोड़े बहुत नहीं, 5 pair ऑफ इयररिंग्स खरीदे हमने। अब हम जा रहे हैं घर। शॉपिंग क्या दिखाऊं, कुछ खास नहीं है, झमाझम बारिश हो रही है। आई विश आई कुड ओपन अप द विंडो एंड शो इट टू यू, सी बहुत तेज बारिश हो रही है। It's raining like cats and dogs. इतनी तेज बारिश हो रही है, like literally you guys can see कि कितना मतलब बिल्कुल ही visibility low हो चुकी है and he is driving literally आगे होके और इतना झमाझम बारिश हो रही है। Oh my god! इतनी झमाझम बारिश भी बहुत दिनों में देखने को मिली है। And I love it. So we are back home. I'm literally so tired. I hope you enjoyed watching this video. And if you enjoyed watching this video, then consider giving it a big fat thumbs up and subscribe to my channel for more such content. And ab hum milte hain thodi der mein. Okay, tata, bye bye.